सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पर सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हेलो गाइज, आज की सबसे बड़ी हम न्यूज़ कवर अप कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आती है वो फिनबोल्ड की तरफ से आती है। तो बेसिकली मैंने आपको इसका फंडामेंटल यानी कि बेसिक बता रखा है इस न्यूज़ का, ओके। तो मैं बार बार यार वीडियोज़ में बताया नहीं करूँगा आपसे, ठीक है, आपको कि किस वेबसाइट के बारे में मैं बताया करूँगा, ठीक है। तो और एक बात है, जो भी कोई नई वेबसाइट्स आपके लिए आएगी तो मैं उसके रिलेटेड आपको बताऊँगा, ओके। उसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूंगा, इंट्रोडक्शन दे दूंगा उस वेबसाइट का, ठीक है। तो यार जो हमारी सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आती है वो इथेरियम के रिलेटेड निकल के आती है। तो इसमें जो बताया गया, जो हमारा इथेरियम है इसके अंदर 135,000 के अराउंड कुछ नए एड्रेस जनरेट हुए, ओके। ग्रोथ देखने को मिली है और मार्किंग करें तो हाईएस्ट डेली नेटवर्क ग्रोथ है 2022 में, ओके। सो बेसिकली गाइस, यार आप जानते हो किसी भी ब्लॉकचेन के, आपको पता है एक हमारा जो इथेरियम है इसकी जो सप्लाईज है मार्केट में एक तो अनलिमिटेड है, ओके। देन यार इसके ब्लॉकचेन के बारे में हम देखें तो एड्रेस भी इसके ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। एड्रेस माने कि जितने भी डिजिटल वॉलेट्स इसके बनते जाएंगे उतने ज़्यादा इसके ब्लॉकचेन के एड्रेस बनते जाएंगे, ओके। तो यही होता है इसका थोड़ा सा बेसिक। तो मैं थोड़ा एडवांस में आपको टेक्निकल बताता हूँ इसका, सॉरी फंडामेंटल, कि हम कैसे समझ सकते हैं इसको। सो गाइस यार, आप थोड़ा सा इनडेप्थ न्यूज़ करते हैं इसका, फिर आपको इजीली वे में समझ में आएगा। तो यार आप जानते हो जो हमारा इथेरियम है, जो इसका नेटवर्क है, ये प्रूफ ऑफ वर्क में पहले वर्क करता था, बट अब प्रूफ ऑफ स्टेक में इसकी एल्गोरिदम ट्रांसफ़र हो गई है। यानी कि जो भी मर्जिंग इसमें हमें अपग्रेडेशन देखने को मिला है वो हमें बेसिकली इसके क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एड्रेस में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिली है। और ये हमें हिंट देता है कि आने वाले टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ओके। तो इसने बताया कि जो हमारा इथेरियम है, इसने जो एक्सपीरियंस करा है कि राइज, जिसमें हमने इसको में इसके एड्रेस में बढ़ोतरी होने को देखने को मिली है, अराउंड 8 अक्टूबर को हमें इसका एनालिसिस पता लगा था कि इतने, मतलब हमारे कम से कम इतने बढ़ चुके हैं हमारे जितने भी इथेरियम के वॉलेट्स थे यानी कि एड्रेसेस, तो वो हमें बेसिकली उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। अराउंड 135,780 न्यू ETH एड्रेस हमें हमारे नेटवर्क के अंदर हमें ऐड देखने को मिले हैं, ओके। तो अगर हम पिछले साल का देखें डैक 7/2021, तो उसमें जो फिनबोल्ड का जो बिहेवियर रहा था एनालिसिस के हिसाब से, वो भी सेंटिमेंट ऑन October 9th, तो हमें बेसिकली उससे कम देखने को मिला था। एज वेल एज हम कंपेयर करें टू जो भी हमारा क्या कहते हैं 2022 में जितने भी हमारे एड्रेस एडअप हुए हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन में, ओके। तो ये थोड़ा सा ग्राफ बता रखा है, टेक्निकल एनालिसिस वालों ने बता रखा है कि कितने ग्राफ हमारे बड़े हैं एनुअली मंथ में। सो बेसिकली गाइस, इसमें ये बताया गया कि जो हमारे ETH के जितने भी ब्लॉकचेन एड्रेसेस होते हैं, यानी कि एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो पे ट्रांसफ़र करने के लिए एक एड्रेस चाहिए होता है, तो वो ही अच्छे खासे एड्रेस बढ़े हैं वॉलेट्स के जरिए, यानी कि डिजिटल वॉलेट्स के जरिए, ठीक है। तो ETH का जो अभी 135.7K के करीब नए एड्रेस इसमें ऐड हुए हैं, ओके। तो हम इसको कह सकते हैं जो December 7 है इससे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है टिल December 7, 2021 से, तो हम कह सकते हैं यार अराउंड हमें 10 महीने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है ऊपर की तरफ, यानी कि ऐड इसके जो भी वॉलेट्स है इसमें इंक्रीजमेंट हमें बेसिकली देखने को मिला है इसके एड्रेसेस में। तो इसमें और बताया गया जो इसका प्लेटफॉर्म है, अराउंड 11.1% इसका नेटवर्क जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ये 2022 में हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है January 3 में, और जो इसका हाईएस्ट रहा है December 7, 2021 से देखने को मिला है। तो इसमें थोड़ा सेंटिमेंटल एनालिसिस करके बताया कि जो इसकी यूटिलिटी है, ये राइज कॉमनली फॉर शेडो पोटेंशियल एसेट्स ब्रेकआउट। सो गाइस, जो भी हमारा इथेरियम का जो भी क्रिप्टो करेंसी है, इसमें हमें इसमें आने वाली जो ये न्यूज़ है ना, ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यार आप जानते हो जब भी नंबर ऑफ वॉलेट्स या ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ वॉलेट्स बढ़ते हैं तो उस क्रिप्टो करेंसी की बेसिकली डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस तो इंक्रीज होगा हुआ, ठीक है। तो यही बेसिकली इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया जो हमारा इथेरियम है, इसमें एक पोटेंशियली हमें गेनिंग देखने को मिल सकती है, ट्रैक्शन इन द मार्केट, यानी जो भी हमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, तो उसी की वजह से हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा इसके होल्डर्स होंगे इथेरियम के
उतना ज़्यादा मैं प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसमें बताया गया जो इसका नेटवर्क ग्रोथ है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ यूनिक एड्रेस है वो भी ट्रांसफ़र करे गए हैं इथेरियम में फर्स्ट टाइम इंडिकेट्स। तो इसमें बताया गया जो ये पहली बार ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि इथेरियम के अंदर हमें गेनिंग ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, और ये रीगेन कर सकता है अपने जितना भी इसने अभी बेयर मार्केट में दिखाया है लॉसेस, वो सबको अभी ये रिकवर कर सकता है, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हमें मर्जिंग से ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप जानते हो मर्जिंग हो गई है, लेकिन मर्जिंग के बाद भी इसका कोई हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिली इथेरियम के अंदर। ओके, आप जानते हो अराउंड 15 सितंबर को हमें मर्जिंग देखने को मिली थी, तो यार कोई तब से हमें तो ग्रोथ देखने को मिली नहीं, बल्कि यहाँ से हमें बेयर ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है ऑल ओवर द हमारी मार्केट के अंदर। तो बस यही है यार इस न्यूज़ में, थोड़ा इन डेप्थली यही बताया गया है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस न्यूज़ में। ओके, तो अब हम चलते अपनी दूसरी न्यूज़ पे। तो हमारी दूसरी जो न्यूज़ निकल के आती है वो XRP के प्राइस प्रेडिक्शन के से निकल के आती है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा XRP है ये $4 क्या हिट कर सकता है 2023 में। तो ये ही थोड़ा इसमें डिस्कशन के बारे में बताया गया है। जो ये न्यूज़ पब्लिश हुई है CryptoNews.com से पब्लिश हुई है, जो कि एक अच्छी खासी न्यूज़ वेबसाइट और प्रोवाइडर है, अच्छा खासा न्यूज़ हमें बताता है। ओके, तो यार इसमें बताया गया जो हमारा XRP है ये अभी बुलिश है, कंटिन्यू ट्रेंड अपना फॉलो करता जा रहा है, जहाँ की पूरी जो मार्केट है वो S&P 500 और NASDAQ कंपोजिट इंडेक्स के साथ फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे तो बिल्कुल अपोजिट ही चल रहा है। XRP के अंदर तो हमें अच्छा खासा बुलिशनेस ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं यार बड़ी अजीब सी बात है ये। ओके, तो इतना अच्छा खासा हमें बेसिकली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यार XRP में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आने जाने को, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो इसका 7 डे का चार्ट है वे एक्सट्रीमली बुलिश रहा है XRP का, अराउंड 16% का हमें इसमें लास्ट वीक से, और पास्ट के मंथ में देखें तो 45% तक का ग्रोथ देखने को मिला है, और XRP का जो अभी हाई बना है वो $0.54 तक का बना है मंडे के अगर हम कंपेयर करें तो, और इसने जो रिट्रेसमेंट लिया अभी अपने करंट प्राइस का वो लिया है 0.5158 तक का। ओके, तो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना XRP की वो बहुत ज़्यादा भी ह्यूज है, बिटकॉइन और इथेरियम से ज़्यादा भी ट्रेड हो रहा है, स्टेबल कॉइन से भी ज़्यादा। ओके, USDT, UCDC एंड BUSD। ओके, तो और थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं XRP बुलिश इन शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली गाइस जानते हो यार एक मंथ के अंदर अंदर ये अच्छा खासा 45% तक का आपको लिए इजिली प्रॉफिट बना के दिया है आपको, तो हम कह सकते हैं यार आने वाले टाइम फ्रेम पे भी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है, और एज वेल एज अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर, तो तब भी हमें इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट इस न्यूज़ में हमें बेसिकली शॉर्ट टर्म के बारे में इजिली वे में हाईलाइट करके बताया गया। तो यार आप जानते हो जो बुल्स है मार्केट को टेक ओवर नहीं कर पाए, और जितने भी हमारे बियर लोग हैं मार्केट में बेसिकली बहुत ज़्यादा हावी हो रखे हैं, अभी सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, एज वेल यार सब कुछ इंडेसिस और हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर वही अच्छा खासा एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और जो आप जानते हो जो रिपल है ये 2 ईयर्स पहले इसके अंदर US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा लो सूट करा गया था, ठीक है। तो उसी के ज़रिए यार अब ये रिपल हमारा विन हुआ है, यानी कि जो इसने केस लड़ा था वो अब इसमें जीत चुका है, तो इसकी वजह से ही एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि इसने इतना मतलब हम कहते हैं यार XRP जो है ना बहुत ओल्ड कॉइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और अभी तक मार्केट में अच्छा खासा डटा हुआ है। और आप जानते हो और जितने भी ओल्ड कॉइन्स आते हैं रहते हैं चले जाते हैं, रहते हैं चले जाते हैं, बट जो हमारा XRP है हमेशा top 10 की रैंक के अंदर रहा है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है इस पे, ठीक है। तो अब यार केस जीतने के बाद अब तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ और भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम फ्रेम पे। तो इसमें बेसिकली बताया गया जो हमारा अक्टूबर रहने वाला है ट्रेडिशनल बुलिश मंथ ही रहने वाला है ये क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड, एज वेल एज हम कंपेयर करें टू यार XRP में तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इस आर्टिकल में हमें पता है इसने एक फिब रिट्रेसमेंट प्ले करा है, XRP का जो ऑल टाइम हाई बना था 0.65 का ये सोच रहे हैं, और $0.70 तक का इजीली ये ब्रेकआउट कर सकता है इतना। ओके, तो इसमें क्या बताया था रिपल विनिंग SEC लूट जो भी हमारा कमीशन ये सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो रिलेटेड है एक्सचेंज कमीशन का जो है ये, तो थोड़ा इनडेप्थ थोड़ा पढ़ते हैं यार। आपको पता है इसमें लैक ऑफ बिग न्यूज़ है, तो कोर्ट केस बेसिकली इसमें करा गया था, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो थे रिपल के बेसिकली वो सो मतलब चाहते थे कि XRP जीते, ठीक है, इस केस के अंदर, वो वही हुआ XRP विन कर गया और एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें बेसिकली बना के दिया है। तो बेसिकली जेम्स के फिलन नाम के एक मतलब USA के वो हैं अच्छे खासे चेयरमैन है, तो इन्होंने एक ट्वीट करा है XRP कम्युनिटी के रिलेटेड। तो इसमें बेसिकली बताया गया है रिपल स्लैम्स द SEC और जितने भी हमारे SEC के कमीशन के अपोजिशन थे, यानी कि IRMIT एंड टेबजेट मोशन और MCS ब्रीफ,
तो इन्होंने क्या कहते हैं, ये अपना एविलेट नहीं कर पाए और ये क्लेम्स इनका अब बिजनेस ब्रिंगिंग में लेगिटेशन की तरफ प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यार एक अच्छी खासी ये बेसिकली न्यूज़ होने वाली है XRP के लिए, क्योंकि XRP भी यार जो इस पे लॉ सूट करा गया था वो अब जीत चुका है। तो अब यार हम कह सकते हैं XRP एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बन के निकल के आ सकता है। ओके, तो अब इसमें बताया गया कि XRP ये $4 तक पहुँच सकता है 2023 में। तो हम थोड़ा इनडेप्थ करते हैं कि आर्टिकल में देखते हैं क्या बताया गया है। तो यार हमें जो हमारी जो वाइडर क्रिप्टो मार्केट है ये स्ट्रगल कर रही है कि बियर कंडीशन से ये बाहर निकले। एज हम जानते हैं यार मेजोरिटी ऑफ 2022 हमारा बियरनेस में ही निकला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यार जो इसका अभी डिफिकल्टी ही रहेगा ये अपना ऑल टाइम हाई बने अभी वेरी नियर फ्यूचर में, तो थोड़ा टाइम लगेगा यार इसको बियर रैली से बाहर निकलने का। ठीक है, तो इसमें बताया गया जो हमारी बियर मार्केट रहने वाली है ये लास्ट फॉरएवर तो रहने नहीं वाली। ठीक है, तो XRP में भी हमें इनक्रेडिबल गेन्स देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम फ्रेम पे। और इसने जो अपना कोर्ट केस जीत लिया है तो उसमें तो यार हमें आने वाले 2023 के अंदर बेसिकली एक अच्छा खासा मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा और एक अच्छी खासी यार हमारे इंडेसेस हमारी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में अच्छा खासा बुल्स वापस आए ना, तो फिर हम कह सकते हैं यार मार्केट के अंदर अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम फ्रेम पे। तो हम कह सकते हैं यार बोथ साइड हमें अभी एग्री कर सकते हैं इनकी जजमेंट के ऊपर। और इसमें बताया गया है जो भी इसकी वर्डिक्ट अनाउंसमेंट रहेगी वो कमिंग मंथ्स में XRP में हमें बेसिकली ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 2023 के अंदर। तो हम कह सकते हैं यार XRP में बेसिकली हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले टाइम फ्रेम पे। तो यार करते हैं आज की वीडियो का एनालिसिस, जानते हैं चल क्या रहा है मार्केट में। तो यार सबसे पहले हम देखें जो ग्लोबल मार्केट कैप है 932.09 बिलियन डॉलर्स के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि पूरा मार्केट कैप इसका है इतना। 1.34% का डिक्रीज बंड हमें देखने को मिली है। देन बिटकॉइन का देखें तो यार 1.32% डाउन है, 19,242.52 सेंट्स डॉलर्स के करीब प्राइस चल रहा है, $1,000 के करीब प्राइस चल रहा है। इथेरियम देखिए 1,306.25 सेंट्स $1,000 के करीब चल रहा है। देन BNB का देखिए यार $274 के करीब है। XRP 0.5241 के करीब है। देन $1 तक का हमें इसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। देन यार डोज कॉइन देखिए मीम्स प्रोजेक्ट तो 2.46% डाउन है। तो हम कह सकते हैं यार डोज कॉइन में अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करी होती तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आप इजीली कर लेते। 0.06054 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। देन यार शिबा का देखे ना तो शिबा ने भी एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दिया है, 2.90% डाउन है। एंड देन प्राइस यार बहुत कम हो गया है इसका एज वेल यार, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होना तो बहुत सैड होंगे यार तुम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहा है ये, लॉस कर रहा है। ओके, 0.00001074 के करीब प्राइस चल रहा है। तो यार हमने ये देख लिया, इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है। अब करते हैं यार इसका टेक्निकल एनालिसिस, जानते कि आज कैसे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान बन सकता है मार्केट के अंदर, गिरी हुई मार्केट में कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यार अपनी शुरुआत करते हैं ग्लोबली इंडेसिस से। तो यार मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ग्लोबली इंडेसिस में कि जो हमारा नैसडेक कंपोजिट इंडेक्स है बेसिकली ये बहुत अच्छा खासा हमें एक वो देता है, एक मेजर रोल जो है इसका बहुत अच्छा खासा है। क्योंकि यार आपको पता है यार जो जितने भी अभी तक का सबसे जो हाईएस्ट जो इंडिसेस रहा है ना अभी तक हैवी इंडिसेस, वो उसमें से ये एक है जो कि बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी ग्लोबल मार्केट कैप होती है ना, जितने भी इंडिसेस होते हैं ये इसी इंडिसेस पे बेसिकली डिपेंड करते हैं। क्योंकि यार ये इंडिसेस है ना S&P 500 और हमारा जो भी क्या कहते हैं दूसरा डाउ जोन्स है, उनकी दोनों का ही वेटेज निकाल के ये बनाया गया है। ठीक है, तो यार मैंने कल आपको कहा था परसों वाली वीडियो में कि यार हमें इसमें बेसिकली एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला तो मार्केट यहाँ से मे बी ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है। बट अब इसमें क्या हमें बेसिकली मैंने कहा था कि 70% चांस है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन 30% चांस है कि मार्केट नीचे आए। तो मैंने कहा था यार, तो मैंने कहा था कि आप ट्रेड ले सकते हो एज वेल एज हम बस चार्ट को देखना, चार्ट को फॉलो करना, जो आपको दिखता है चार्ट पे उसी के साथ चलना। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से हम चलेंगे तो ट्रेंड यार हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ही बना के देगा। और अगर हम ट्रेंड के ही अपोजिट में चलेंगे तो मार्केट से हम यहाँ अपना सारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है ब्लो आउट कर सकते हैं। तो यार मैंने आपको बताया कि जो हमारा नैसडेक कंपोजिट इंडेक्स है बेसिकली एक डाउन ट्रेंड चैनल फॉलो करता जा रहा है। ओके, तो यार इसने अपना डिमांड एरिया भी बेसिकली ये ब्रेक कर दिया है, तो अब ये हमारा बेसिकली एक सप्लाई एरिया बन चुका है। ओके, तो सप्लाई एरिया हम इसको कह सकते हैं। तो यार अब देखो क्या होता है, और अच्छा खासा भी हमें बेसिकली इसके अंदर
थोड़ा सा एक दो दिन का कंसोलिडेशन फेज के बाद वापस से नीचे की तरफ हमें ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, तो हम कह सकते हैं हमारी जो भी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक और क्रिप्टो दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा बियर नेश में जा सकती है। ठीक है, बियर नेश में, यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, बियर मतलब डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इरिटेट हुए होंगे आपके, सॉरी। ठीक है, तो यार यही है, करेक्शन के बाद वापस से इम्पल्सिव वेव इसने पकड़ लिया, तो अब हम कह सकते हैं यार मार्केट के अंदर हमें मैसिव डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा आने वाले टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हमारा जो भी ग्लोबल इंडिसेज, अमेरिकन इंडिसेज, इसने बता दिया है कि मार्केट अभी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पकड़ेगी, क्योंकि वापस से एक इम्पल्सिव वेव इसमें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मूव तो S&P 500 देखें तो S&P 500 भी यार अपने वापस से डिमांड एरिया के नीचे आ चुका है, तो डिमांड एरिया के जब ये नीचे आ गया है तो हम कह सकते हैं यार मार्केट में हमें बेसिकली एक डाउन ट्रेंड चैनल फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले भी टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जो ये सप्लाई जोन अब इसका जो ये बना है ना, एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस रहने वाला है इसका। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक तो नहीं, हफ्तों भर तक के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा यार इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है ये जोन पूरा। ठीक है, तो S&P 500 भी यार बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। ओके, देन DJI को देखें तो यार DJI भी अभी अपने डिमांड एरिया के अंदर है। ठीक है, तो डाउन जोन्स में भी यार हमें दिखेगा अभी। ठीक है, और अगर हमारा नैसडैक कंपोजिट इंडेक्स अभी और अच्छा खासा इंपल्सिव वेव पकड़ता है, यानी कि मूव पकड़ता है, तो हमें और भी मैसिव डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यार डाउन जोन्स भी अपने मैसिव अभी डिमांड एरिया पे है, और हमारे जो भी हमारे S&P 500 है और हमारे नैसडैक कंपोजिट इंडेक्स है, वो हमें बेसिकली डाउन ट्रेंड चैनल क्रिएट होते हुए उनके अंदर दिख रहा है। ओके, तो यार अब यही है कि ऑल ओवर द वे जो हमने ये ग्लोबल इंडिसेस का एनालिसिस करा गया है, टेक्निकल एनालिसिस, उसमें ये पता लगा है कि यार 70% मार्केट अब हमारी इम्पल्सिव वे में ही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चैनल में ही है, तो हम कह सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम पे हमारी जो भी क्रिप्टो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ही रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं BTC USDT की, तो BTC में देखते हैं क्या चल रहा है आज के टाइम फ्रेम पे, तो इसका ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान भी हम बनाते हैं। सो गाइस, मैं थोड़ा सा आपको लंबे चार्ट में इसको दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले हम इसमें देखें ना, तो हमें एक डाउन ट्रेंड चैनल क्रिएट होते हुए इसके अंदर दिख रहा है, यानी कि एक लोअर लो लोअर हाई वाली अपॉर्चुनिटी हमें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। तो यार अगर आप अभी क्या इस पर एंट्री ले सकते हो, तो बेसिकली मैंने आपको यार प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया मैंने बेसिकली आपको मार्क करा गया था, तो आपने उसमें एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ट्रेड लिया होगा, यानी कि ब्रेक डाउन में ट्रेड लिया होगा। तो यार रीटेस्ट के बाद आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल रही है। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाती है, यानी कि इसका जो ये डिमांड एरिया है, सॉरी जो भी इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप एंट्री कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर, और एग्जैक्ट पॉइंट पे आप इसको बाय कर सकते हो। सो गाइस, मैं इसका बाइंग एरिया आपको बता देता हूँ वापस से। ठीक है, तो इसका जो बाइंग एरिया रहेगा बेसिकली रहेगा $19,343 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग यार फॉलो करना, तभी अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। देन यार ETH को देखें, तो ETH में यार रीटेस्ट के साथ एक एंट्री हुई है, देन एंट्री के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रीटेस्ट आया, देन वापस से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें इसमें बेसिकली देखने को मिल रही है। अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होता तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना लेते रीटेस्ट के साथ। तो यार अभी तो यार हमारे बेसिकली जो इथेरियम है ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान से रिजेक्टेड है, क्योंकि रीटेस्ट के बाद अच्छा खासा अपने ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दिया है ऑलरेडी हमारे इथेरियम के अंदर, इथेरियम ने, तो बेसिकली रिजेक्टेड है। तो XRP का देखिए, तो यार XRP में भी यार हमें वापस से एक इंपल्सिव वेव वाली अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो यार इसका जो अभी मैंने बेसिकली जो एरिया बनाया है, ये कंसोलिडेशन फेज का एरिया है, तो यार अगर मार्केट में ये रह लेती है यहाँ पे अपने इस जोन के अंदर, यानी कि 0.52581 के करीब, तो आप रीटेस्ट के तहत इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। सॉरी, ब्रेकआउट के बाद आप रीटेस्ट के साथ एंटर कर सकते हो और एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो आने वाले टाइम फ्रेम पे। ओके, देन यार अगर हम इसमें डाउन ट्रेंड तो अब बेसिकली देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यार एक महीने से अच्छी खासी ग्रोथ ही दे रहा है ये। ओके, तो हम कह सकते हैं यार आने वाले टाइम फ्रेम पे भी अच्छी खासी हमें ये ग्रोथ बना के देगा। तो यार अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊँ ना ये चार्ट, तो आप खुद देखो यार कहाँ 15 अक्टूबर से जब हमें एक अच्छी खासी XRP की न्यूज़ देखने को मिली कि एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, तो देखो यार तब से इतना अच्छा खासा बेसिकली डल बुलिश ट्रेंड इसने बेसिकली बना रखा है। ओके, डल बुलिश बनाए इसने अराउंड हमारी जो डेट हम कह सकते हैं 28 सितंबर से इसने डल बुलिश ट्रेंड बना रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यार अब जूम इन करते हैं चार्ट को, तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका। तो यार अभी आप जो इसके अंदर अभी जो मैसिव अभी जो लाइव चार्ट इसका आप देख रहे हो ना,
इसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो आप रीटेस्ट के बाद आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। अगर कैंडल यहीं क्लोज होती है तो रीटेस्ट करने आएगा इसी पोजीशन पे। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ जो भी इसका अभी बेसिकली सपोर्ट एरिया रहने वाला है। तो यार इसका ये मैसिव अभी सपोर्ट एरिया रहने वाला है, तो अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो आप एक एंट्री ले सकते हो दूसरी कैंडल, ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम वाली। तो आप एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो इसमें एक्यूमुलेशन फेज का। आई होप यार अच्छा खासा आपको ट्रेड का इसमें प्रॉफिट बुक हो, अपॉर्चुनिटी बने आपकी, तो आप अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो यार हमारी लिस्ट से बेसिकली आज XRP अप्रूव्ड है, तो हम इसको अपने ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान में आज इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो शिबा को देख लेते हैं यार, शिबा ने भी ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन फेज के साथ, देन रीटेस्ट करने तो नहीं आया ये, ठीक है। तो अच्छा खासा आपने इसमें पेशेंस रखा होगा तो सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी आपकी। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गई है मार्केट, बट रीटेस्ट के साथ यार आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। रीटेस्ट के बाद ही आप एंट्री करोगे, ब्रेकआउट पे जिसने करी होगी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करा हुआ होगा उन्होंने। तो यार आप वेट करो, रीटेस्ट करने आती है मार्केट, तो आप वापस से इसमें ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो यार शिबा में बेसिकली यार अभी हमारी लिस्ट से ये बेसिकली रिजेक्टेड है, क्योंकि अराउंड ब्रेकआउट दे दिया इसने, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो बस वेट करो यार, इसका रीटेस्ट करने आता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर सकते हो। और एज वेल एज यार डोज कॉइन के भी अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमारी बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए यार हमें एक अच्छा खासा रीटेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। तो यार बेसिकली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो हमें बेसिकली इसमें देखने को मिल रहा है, देन यार एक अच्छा खासा मे बी थोड़ा सा अप ट्रेंड चैनल पकड़ सकता है आने वाले टाइम फ्रेम पे। तो आप रीटेस्ट के बाद एक अच्छी खासी इसके अंदर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो। तो अगर यार ये अपने इस सपोर्ट एरिया पे बेसिकली इस रेजिस्टेंस एरिया पे आता है, इसी लाइन के ऊपर से ये आके वापस इसके नीचे ही वापस क्लोज कर जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं इजी वे में सिखाता हूँ, जैसे समझ लो यार ये हमारी मार्केट का टॉप लेवल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो ये हमारा यार एक हो गई बेसिकली इम्पल्सिव वे, ये करेक्टिव वे, ठीक है, देन ये इम्पल्सिव, ये देख रहे हो ना इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव और ये इम्पल्सिव। तो इस एरिया पे जब ये आएगा अराउंड जो हमारा एरिया रहेगा ये रहेगा 0.061176 के करीब, तो आप रीटेस्ट के बाद एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो बस आई होप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ट्रेंड बताया आपको कि ट्रेंड फॉलो हो कैसे रहा है इसके अंदर अभी। तो रीटेस्ट का वेट करो यार, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो डोज कॉइन के अंदर भी, ठीक है। शिबा में भी यही है, बट शिबा में यार थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो वापस से अगर कैंडल इसी लाइन पर टच करती है वापस से और इसके नीचे ही क्लोज होती है, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो ब्रेकडाउन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बिल्ड करके। ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन अपना फॉलो करना और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ यार, आई होप। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है। इस वीडियो पर 10 लाइक्स हो जाने चाहिए, ठीक है। तो और कुछ नहीं, बस वीडियो में इतने। ओके, गुड बाय।